बहादुरगढ़ में एक सिक्योरिटी गार्ड का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला है। सिक्योरिटी गार्ड के सिर, चेहरे और हाथों पर चोटों के गंभीर निशान है। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी ने उसकी हत्या के बाद शव को यहां फेंका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। मृतक की पहचान सोनीपत के हलालपुर गांव निवासी उमेद के रूप में हुई है। उमेद बहादुरगढ़ में एक सिक्योरिटी कंपनी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था और कल रात को उसका शव बहादुरगढ़ के बालोर गाँव के पास से गुजर रहे बाईपास के पास मिला है। परिजनों ने उमेद की हत्या की आशंका जताई है और हथियारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस से की है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह क्या है ये तो आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकेगा। जी मनोज जी, क्या मामला है? कल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने में कि बालोर रोड पर कोई व्यक्ति बेसुधा हालत में पड़ा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जो आदमी को जाकर जब चेक किया गया तो वो मृत अवस्था में मिला और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी व्यक्ति ने उसकी सर पर ईंटों से चोट मारकर उसकी हत्या की हुई है, जो इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो आसपास के कैमरों की छानबीन की जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एसपी साहब के दिशा निर्देश में तीन टीमें गठित करी गई हैं। हो सकता है अभी पुलिस शाम तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ले।